Good morning students, welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects math and let's start our new chapter that is joint bar graph. जैसे कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जो चीज़ें हम लोग को इस वीडियो के लिए चाहिए आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है वो है ग्राफ कॉपी देन पेंसिल स्केल पेन इरेजर और शार्पनर. ओके, ये सब चीज़ें हमारे पास पहले होनी चाहिए तब जाके हम लोग ये जो चैप्टर हैं ये स्टार्ट कर सकते हैं. तो जैसे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 31 देखने वाले हैं. 31 प्रैक्टिस सेट में लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 31 है इसमें जो एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, ये एग्जांपल नंबर 1 जो है वो अब हमें यहाँ पे जो अपनी जो कॉपी है ग्राफ कॉपी है इसके पहले पेज को छोड़ते हुए बिल्कुल यहाँ पे पहले ही पेज पर दूसरे पेज पर हमें इसको लिखना शुरू कर देना है बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 31 है, ये प्रैक्टिस सेट 31 का यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग ये प्रैक्टिस सेट 31 लिख लेंगे. प्रैक्टिस सेट 31 में ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा हुआ है. द नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लेस बाय स्कूल्स ऑन वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल बिलो. ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू शो दिस फिगर. मतलब हम लोग को ये इस जानकारी के आधार पर, दिए गए जानकारी के आधार पर बार ग्राफ ड्रॉ करना है जिसको जॉइंट बार ग्राफ भी कहेंगे. बड़ा जॉइंट बार ग्राफ यानी कि नूतन विद्यालय और भरत विद्यालय के ग्राफ जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ खड़े होंगे, दोनों को हम लोग को शो करने हैं. ये कैसे करेंगे हम लोग ज़रूर देखते हैं. तो यहाँ पे स्कूल नेम और नेम ऑफ सैम्पलिंग्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. तो ये जो स्कूल नेम है यहाँ पे, ये नीचे के स्कूल नेम जो है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले नेम्स हैं जो कि नूतन विद्यालय और भरत विद्यालय आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. नेम ऑफ सैम्पलिंग्स जो है वो आपको वाई एक्सिस के ऊपर दिए गए नंबर के आधार पर ड्रॉ करने हैं, जो कि पहला अलमंड, फिर दूसरा करंज, नीम, अशोक और गुलमोहर, ये अलग अलग प्लांट्स के आपको यहाँ पे नाम दिए गए बेटा. ठीक है, तो अलग अलग विद्यालय में ये कितनी प्रोपोर्शन में लगाए गए उनका ग्राफ आपको यहाँ पे बाजू में दिए गए बाजू वाले ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, तो इसे कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो 2 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है, 2 सेंटीमीटर वाली लाइन कॉर्नर से हम लोग इसे छोड़कर दो ऐसी सीधी रेखाएं यहाँ पे हम लोग खींच लेंगे. सबसे पहले तो हमने यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ. ओके, अब उसी तरह बॉटम से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाली लाइन छोड़कर अब हमें यहाँ पर एक आड़ी लाइन खींच लेनी है बेटा. ये आड़ी लाइन भी आपको यहाँ पे स्ट्रेट खींचनी है. नोक आपकी एकदम शार्प होनी बहुत ज़रूरी है. तो इस तरह से ये 2 आड़ी लाइन हमने यहाँ पे खींच ली है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो हमें यहाँ पे ओ यहाँ पे कंसिडर करना है. ओके, ओ यहाँ पे कंसिडर करने के बाद अब 2 लाइनें हमने यहाँ पे खींच ली हैं. अब यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर हम लोग स्केल द्वारा यहाँ पे बना लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग स्केल लिखेंगे बेटा. स्केल में आपको स्केल ऑन वाई एक्सिस पे जो स्केल दी गई है वो आपको कंसिडर करनी है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको 10 सैपलिंग्स लिखना है. मतलब जो हम लोग ये वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे ना, यहाँ पे आपको एक सेंटीमीटर यानी कि 10 सैपलिंग्स आपको कंसिडर करना है. तो यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे, इस तरह से डॉट बना लेंगे. तो पहले डॉट पर 10, दूसरे डॉट पर 20, तीसरे डॉट पर 30, इस तरह से हर 1 सेंटीमीटर 10-10 के अंतर से हम लोग को लिखते चलना है. तो ये 50 हो गई, ये 60 हो गए, ये 70 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पे 80 यहाँ पे एक लिख लेते हैं, ये 90 और लास्ट में हम लोग यहाँ पे 100 तक के एक सैपलिंग लिख लेंगे. तो ये स्केल हो गई हमारी स्केल ऑन वाई एक्सिस, दैट इज 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 सैम्पलिंग्स आपको यहाँ पे लिखना है. अब यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हमको यहाँ पे बनाने हैं बेटा, ये 2 बॉक्सेस यहाँ पे मैं बनाकर बता देता हूँ आपको. तो एक बॉक्स जो होगा ये हमारा नूतन विद्यालय का होगा और दूसरा जो बॉक्स होगा वो हमारा भरत विद्यालय का होगा. ओके, भरत
विद्यालय, यहाँ पे मैंने कोने में साइड में यहाँ पे स्केल लिख ली बेटा। ये स्केल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ठीक से, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैम्पलिंग। फर्स्ट बॉक्स इज न्यूतन विद्यालय एंड सेकंड बॉक्स इज भरत विद्यालय। ये बॉक्सेस जो हैं वो हम लोग को यहाँ पे एक साइड में बनाने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो ट्री हम लोग ड्रॉ करेंगे वो आलमंड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आलमंड के बाद आती है बेटा करंज, तो करंज की एक ट्री मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करंज। और थर्ड जो ट्री है वो है हमारी नीम, तो यहाँ पे मैं नीम लिख लेता हूँ। फोर्थ जो ट्री है वो है बेटा हमारी अशोक, तो अशोक की ट्री मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और लास्ट जो हमारी ट्री है वो है बेटा गुलमोहर, तो यहाँ पे गुलमोहर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हर एक नाम में मैंने एक एक सेंटीमीटर की जगह छोड़ी हुई है ठीक है। तो इस तरह से एक एक सेंटीमीटर की जगह छोड़ते हुए हम लोग को चलना है। ये आलमंड, ये करंज, ये नीम, ये अशोक और ये गुलमोहर की ग्राफ, बार ग्राफ्स हम लोग को बनाने हैं और वो जॉइंट होने चाहिए। तो जॉइंट के लिए हम लोग को सबसे पहले तो जो आलमंड की जो वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है बेटा, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ये जो आलमंड की वैल्यू है 40 है और भरत विद्यालय के लिए 42 है। तो 40 और 42 अब हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्केल ले लेंगे, स्केल में एक सेंटीमीटर की जगह छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे 40, जहाँ पर ये 40 है वहाँ तक ये ग्राफ लेकर चलते हैं। ये स्केल हम लोग 40 तक लेकर चलेंगे। 40 तक ले जाने के बाद इसे इस तरह से एक आड़ी लाइन बनाकर इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा 40 हो गया। ये भरत विद्यालय के नूतन विद्यालय की 40 वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। अब 42 जो है, तो देखिए बेटा यहाँ पे 10 जो सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हर एक लाइन में 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब ये पूरी एक एक लाइन, पूरे 10 लाइन को आपको रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे यहाँ पे 40 के ऊपर चलते हैं हम लोग, तो 40 के ऊपर ये 41, ये 42, 43, 44 और ये 45 आपको यहाँ पे कंसीडर करने के लिए बोलती है, लेकिन हमको तो 42 ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट कंसीडर करूँगा, डॉट तक ये यहाँ पे मैं लाइन ले जाता हूँ और लाइन के ऊपर यहाँ पे 42 के ऊपर यहाँ पे मैं इसे आड़ा खींच लेता हूँ। आड़ी खींच लेने के बाद इसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा बेटा ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा जॉइंट बार ग्राफ, मतलब ये जो है पहला ये नूतन विद्यालय का है और दूसरा जो है वो भारत विद्यालय का है। अब ये दोनों आपको अलग अलग कंसिडर करने के लिए मैं यहाँ पे स्केल में जो नूतन विद्यालय को हमने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे लाइंस बना के एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो पहला बॉक्स हम लोग ने यहाँ पे बार ग्राफ बनाया है, जॉइंट बार ग्राफ, तो ये पहला जो है वो हमेशा याद रखिए, ये हमें नूतन विद्यालय की वैल्यू आपको शो करने में आपकी मदद करेगा ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच लेनी है। तो ये होगी हमारी नूतन विद्यालय की लाइनें ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, और ये दूसरा जो प्लेन ग्राफ है वो है भारत विद्यालय। अब हम लोग चलते हैं थर्ड सेकंड प्लांट की तरफ, वो है हमारा करंज। करंज की वैल्यू है बेटा 60 और 38। तो ये 60 और 38 मैं यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करता हूँ देखिए। करंज के लिए सबसे पहले तो आपको 60 ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 60 दिखने वाली वैल्यू को यहाँ पे मैं डॉट करके कंसिडर करूँगा। और ये डॉट बना लिए तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींच लूँगा, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का अंतर आपको छोड़ना है। तो 60 बना लेने के बाद इस तरह से आड़ी लाइन खींच कर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा नूतन विद्यालय का ग्राफ। अब नूतन विद्यालय का ग्राफ देखिए, आधे सेंटीमीटर में मैंने इसको बना लिया है, ऊपर तक आधे सेंटीमीटर लेकर चला हूँ। अब नूतन विद्यालय में, भारत विद्यालय में इसकी वैल्यू कितनी है, करंज की 38 ट्रीज यहाँ पे प्लांट की गई। तो ये देखिए 38, मतलब ये 35, 36, 37 या 38, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो 38 वैल्यू है वहाँ पे मैं इसे आड़ी लाइन खींच लूँगा, 40 को 2 कम, और इस तरह से इसे मैं डायरेक्टली स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ। तो ये होगी हमारी करंज की ट्री इन अ भरत विद्यालय। भरत विद्यालय में ये स्ट्रेट 38 शो कर रही है और नूतन विद्यालय में ये करंज की ट्री 60 आपको शो कर रही है। अब थर्ड देखते बेटा, थर्ड जो है नीम की 72 है नूतन विद्यालय और भरत विद्यालय 60 है। तो 72 और 60 हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है एक लाइन, 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़कर। यहाँ पे मैं देखिए 70, देखिए ये 70 की जो लाइन है ये सीधी आपको यहाँ पे स्केल कंसिडर करनी है। 70 के ऊपर 2 लाइन तक मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे इसको 72 पे इसे इस तरह से
क्लोज कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा 72, ये 72 की लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे इस तरह से आड़ी रेखाएं मुझे ड्रॉ कर देनी है। तो ये रेखाएं ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग को भरत विद्यालय की नीम की 60 ट्रीज बनानी है। तो 60 देखिए, 60 ये जो वैल्यू है यहाँ पे है, तो ये 60 को मैं इस तरह से आड़ी रेखा बनाकर एक सीधी ये लाइन खींच लूँगा। तो ये हो गई हमारी भरत विद्यालय की नीम की 60 ट्रीज। ओके, तो इस तरह से ये नीम की ट्री हो गई। नीम की ट्री होने के बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ट्री की तरफ, वो है अशोक। अशोक की नूतन विद्यालय में 15 ट्रीज है, भरत विद्यालय में 25 ट्रीज है। तो अब हम लोग 15 और 25 बनाएंगे अशोक की ट्रीज। तो 1 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे छोड़ देते हैं। 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ देने के बाद 15 आपको अशोक की ट्रीज लगाई गई है नूतन विद्यालय में। तो यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर ये 5 लाइन जोड़ते हुए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो ये देखिए 10 और 20 के बीच में 15 को मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। एक आड़ी लाइन यहाँ पे मैं खींचता हूँ और ये हो गई हमारी अशोक की ट्रीज इन नूतन विद्यालय। वो हो गई बेटा 15 ट्रीज अशोक की यहाँ पे लगाई गई। और जो अशोक की ट्री है भरत विद्यालय में वो है 25। तो यहाँ पे देखिए 20 और 30 के बीच में ये देखिए ये 25 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक डॉट बना रहा हूँ और डॉट बना लेने के बाद इसे इस तरह से ड्रॉ करते हुए मैं इसे नीचे तक खींच लेता हूँ। ये हो गई बेटा अशोक की ट्री ना भरत विद्यालय। भरत विद्यालय में 25 ट्री यहाँ पे लगाई गई। तो ये 15 नूतन विद्यालय में और 25 है भरत विद्यालय में। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट ट्री की तरफ, वो है बेटा गुलमोहर। गुलमोहर में गुलमोहर की जो ट्रीज है 42 वो नूतन विद्यालय में लगाई गई और 40 जो ट्री है गुलमोहर की वो भरत विद्यालय में लगाई गई। तो हमें अब 42 और 40 का ग्राफ बनाना है गुलमोहर का। तो देखिए गुलमोहर के नाम के नीचे यहाँ पे जैसे आपको आप देख पा रहे हैं ये गुलमोहर का जो नाम है, यहाँ पे आपको नूतन विद्यालय की 40 ट्रीज यहाँ पे ड्रॉ करनी है सबसे पहले 42। तो नूतन विद्यालय की 42 यानी कि 40 के सामने सामने दो लाइंस, ये देखिए ये 40 के सामने, ये देखिए ये 40 वैल्यू है, इसके सामने ये दो लाइंस यहाँ पे इस तरह से बनाते मैं यहाँ पे इसे आड़े बना लेता हूँ और यहाँ पे इसे सीधी लाइन खींच लेता हूँ। तो ये बन गई बेटा हमारी 42 ट्रीज इन नूतन विद्यालय। नूतन विद्यालय में 42 ट्रीज इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए हैं, बना लिए हैं। और अब बची 40 ट्रीज। 40 ट्रीज जो है वो है हमारी भरत विद्यालय की। वो यहाँ पे देखिए 40 के एकदम स्ट्रेट मैं यहाँ पे आड़ी लाइन खींच लूँगा और इस तरह से इसे ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो जाती है हमारी भरत विद्यालय की 40 ट्रीज। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा बेटा, जो कि आपको यहाँ पे शोध होता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो 10 20 30 ये जो हमने संख्याएं लिखी थी वो थी हमारी नंबर ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आड़ा करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ सैप्लिंग्स। ठीक है, ये वाई एक्सिस को नंबर ऑफ सैकलिंग रिप्रेजेंट करते हुए आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हम लोग को यहाँ पे नाम लिखना है, वो है बेटा नेम ऑफ सैपलिंग्स। नेम ऑफ सैपलिंग्स, तो नेम ऑफ सैपलिंग्स यहाँ से इस तरह से लिख लेने के बाद, नंबर ऑफ सैपलिंग्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख लेने के बाद, ये हमारा ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे आखिरी में आपको एक्स एक्सिस लिखना है। ये आड़ी लाइन आपको एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है और ये जो सीधी लाइन है वो हमें वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, ये हम लोग को लिखना है। तो जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करके बताया, जिसमें ये पूरे पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए, इसको बहुत ही सावधानी से ड्रॉ करना है। 40 और 42 जहाँ पर ये संख्याएं दी गई है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट फिगर में 60 और 38 ये वैल्यूज़ यहाँ पे कंसीडर होनी चाहिए। थर्ड नीम की ट्री के लिए 72 और 60 सैपलिंग्स यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करनी है। यहाँ पे थर्ड अशोक की ट्री के लिए 15 और 25 वैल्यूज आपको यहाँ पे शो करनी है। और आखिरी में गुलमोहर के लिए आपको 42 और 40 वैल्यूज यहाँ पे आपको शो करनी है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है बेटा। और जब आपका एक परफेक्ट ग्राफ यहाँ पे बनता है बिना इधर उधर लाइन के बने,
तो ये आपका एकदम सही ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जैसे ये वीडियो में आपको मैंने समझाया वैसे आप बना कर देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने के प्रॉब्लम देखेंगे। ये दूसरा जो प्रॉब्लम है, मैं ये चाहता हूँ कि ये आपको होमवर्क दूँ। अगले वीडियो के पहले आप लोग पर्सनली मुझे इसको ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।